तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आज का मुकाबला, जो कि काफ़ी बड़ा मुकाबला होगा। सॉरी, आज का मुकाबला नहीं, कल का मुकाबला होगा। कल शाम को ये मैच खेला जाएगा। तो कौन सा मैच बारे में बात कर रहा हूँ वो बता दूंगा। तो बस मैं बात करने जा रहा हूँ ECS T10 दर्शन के बीच में मैच है। टीम कौन सा है? FBL वर्सेस BER के बीच में मैच खेला जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा गाइस। यहाँ पे अभी तक ग्रैंड लीग ऐड नहीं हुए, ऐड हो जाएंगे कल। तो अभी तक के लिए आप हेड टू हेड ज्वाइन करके रख लो, और कल ग्रैंड लीग ज्वाइन होने के बाद उसको आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको मैं प्लेयर स्टार दिखाऊंगा, इस प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है वो सब भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं टीम बनाऊंगा, लास्ट में टीम दिखाऊंगा कैसे टीम रहेगी हमारी। और आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को छोड़ना है, इसमें बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले टीम देखने से पहले प्लेयर्स का देखना जरूरी होगा। तो वैसे यहाँ पे देख लो, एक मैच खेला जाएगा फ्रेंचिस बर्लिन लॉयंस वर्सेस बर्लिन CC के बीच में मैच खेला जाएगा। तो काफ़ी बड़ा मैच होगा, शाम को ये मैच 4 बजे खेला जाएगा, कल शाम को 8 अगस्त मंडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। तो वैस देख लेते हैं कैसे दोनों टीम का प्लेयर के स्टैट्स, पहले स्टैट देखना जरूरी होगा, फिर बाद में टीम देखेंगे। तो पहले FBL के प्लेयर के स्टैट देख लो, उसमें पहले आते हैं गनिंदु आर्मुर्दा। 16 मैच में 46 रन बना के आ रहे, 6 का एवरेज इनका, प्लस 10 विकेट लेके आ रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। तो देख लो, 6 का एवरेज है प्लस 10 विकेट लेके आए 16 मैच में। तो अच्छा खासा विकेट लेके दे सकता है हर मैच में आपको, प्लस रन बना के दे सकता है। तो जरूर ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं चमेला बंदारा। 14 मैच में 116 रन बना के आ रहे, 8 का एवरेज इनका, और इन्होंने सिर्फ 1 विकेट लेके आए। तो बैटिंग से बहुत बड़ा पारी खेलकर आ सकते हैं, बैटिंग से एक बीच पोजिशन आपको बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नुमन स्टैंजिक स्टैंकेजाई। 13 मैच है 20 रन बना के आ रहे, 2 का बैटिंग एवरेज इनका, और 12 विकेट लेकर आ रहे। तो एक बॉलर है, हर मैच एक ना विकेट लेके जाते तो जरूर इनको पिक करना खेलेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं इंडिका गुणशेखरा। 9 मैच है 163 रन बना के आ रहे, 32 का एवरेज इनका। तो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, हर मैच में आपको 20-25 रन बना के दे सकता है आराम से। अगर आपको इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बैटिंग से पॉइंट ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होता है लीग्स में। तो आप कैप्टन सीधा बनाएंगे तो 150 रन बना के गया तो आप आसानी से विन करके जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं विनय मुर्सापिल्लई। 7 मैच में 57 रन बना के आ रहे, 9 का एवरेज इनका। तो एक 50-50 प्लेयर है एक। नेक्स्ट आते हैं AB गाजदाई। 7 मैच में 79 रन बना के आ रहे, 2 विकेट लेके आ रहे AB, 13 का एवरेज इनका। तो पिक कर सकते हो स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क लेके। नेक्स्ट आते हैं तिरुन दी अलवैसा। 6 मैच से 22 रन बना के आ रहे, 5 का एवरेज इनका। नेक्स्ट दिनेश लॉरेंस हिवा, 6 मैच से 3 रन। इमरान मोहम्मद, ये प्लेयर बहुत बड़े, 6 मैच से 71 रन बना के आ रहे, प्लस 8 विकेट लेके आ रहे। ओपनिंग बैट्समैन है, प्लस 2 और बॉलिंग भी करता है। तो कैप्टनसी मस्ट पिक, कैप्टनसी रहेगा। तो वैस देख लो, पिक करना है तो पिक कर लो। नेक्स्ट आते हैं स्टीफन सिरवर्धना। 6 मैच से 6 रन बना के आ रहे, प्लस इन्होंने भी 1 विकेट लेके आ रहे। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं प्रवीण नतरमोसला। 4 मैच 1 रन बना के आ रहे। दुलीप 3 मैच 3 रन, 2 विकेट लेके आ रहा है। और लोकसन परेरा 1 मैच 1 रन। और दिविन विक्रमार्थे, ये 1 मैच खेला था, 1 रन बनाए। और खालिद अकीला 1 मैच 2 विकेट लेके आ रहा है। तो नीचे कुछ प्लेयर है, अभी तक उनका कितना उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, तो आप उनको छोड़ सकते हो। तो वैसे नेक्स्ट बात कर लेते हैं और एक टीम के बारे में, उसका उनका रिकॉर्ड कैसा है वो देख लेते हैं पहले। तो बीयर के प्लेयर के सद्दाम गिल, बहुत बड़ा पिक हो सकता है, कैप्टन से मस्ट पिक करेंगे। स्मॉल लीग में हर बंदे का कैप्टन रहेगा, क्योंकि 13 मैच में 68 रन बना के आ रहे, 8 विकेट लेके आ रहे। हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट लेके जाता है, प्लस बैटिंग से अच्छा खासा विकेट, अच्छा खासा रन बना के जाता है। नेक्स्ट आते हैं करण सिंह। 13 मैच में 12 विकेट लेके आ रहे, 14 रन बना के अभी ये भी। नेक्स्ट आवास जाफर, 11 मैच में 45 रन बना के आ रहे, 7 विकेट का एवरेज इनका, और 9 विकेट लेके आ रहे। तो हर मैच में विकेट लेके जाते हैं, प्लस कुछ रन भी बना के दे सकते हैं। इमरान बुखारी 9 मैच से 9 विकेट लेके आ रहे, 1-1 मैच से 1 विकेट लेके आ रहे, प्लस 8 रन बना के आ रहे। मनीष तिवारी 9 मैच से 36 रन बना के आ रहे, 9 का एवरेज इनका। और नेक्स्ट अभिलाष अनंतरामन, 9 मैच से 44 रन बना के आ रहे, 8 का एवरेज इनका। और नेक्स्ट साहिल लाल, 9 मैच से 94 रन, 15 का एवरेज इनका। निक कारीगर 7 मैच से 100 रन, 16 का एवरेज इनका, और 11 विकेट लेके आ रहे। तो कारीगर को मस्ट पिक करेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बना सकते हो। ग्रैंड में रिस्क लेकर आप उनको वाइस कैप्टन बना सकते हो निक कैरियर को। नेक्स्ट आते हैं सागर कटारिया। 5 मैच 24 रन बना के आ रहे, 8 का एवरेज इनका।
इवान डुबेल 3 मैच 14 रन और नीचे प्लेयर का अभी तक रिकॉर्ड नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। आप तो रिस्क लेने से पिक करने से तो पिक कर सकते हो। तो वैसे यह होता है कुछ दोनों टीम का प्लेयर के स्टैट्स। अब तो वैसे थोड़ा पिछले मैच का स्टैट देख लेते, दोनों टीम का कैसा रहा था पिछले मैच का परफॉर्मेंस वो देख लेते। पहले देख लेते बी आर का, कुछ देख लेते उनका प्लेयर कैसे खेल के रहा है। उस टाइम सदम गिल 8 रन बना के आउट हुए थे, सागर कटारिया 0 पर आउट हुए थे, साहिल लाल 21 रन बनाए थे, जितेंद्र ओटिस वशिष्ठा 14 रन से आउट हुए थे, आवास जाफिर 2 रन, निक कारीगर 10 रन बनाए थे, अता अहमद 0 और अभिलाष अनंतरामन 6 रन बनाए थे, और इब्राहिम गुप्पुगारी 6 रन, कर्नल सिंह 6 रन और त्रिदा त्रिवेदी 3 रन बना के आउट हुआ था। और उनका बॉलिंग सीजन में इमरान बुखारी 3 विकेट ले गया था, आवाज जाफर विकेट नहीं लिया था, निक कारीगर विकेट नहीं लिया था, जसिन वसेंतर भी प्लस सदम गिल में 2 रन विकेट नहीं लिया था। यह होता है कुछ बी आर का स्टैट्स। अब देख लेते हैं एफ पी एल का उनका कैसा है। तो वैसे पिछले मैच में एफ पी एल बुरी तरह हार के आ रहे थे, उसमें यूएसडीएस ने बॉलिंग बैटिंग करते हुए 150 रन बनाए थे 6 विकेट के ऊपर, और उसमें बॉलिंग सीजन में गनिंदो आरमोदा 1 विकेट लेके आया था, नुमन स्टैंजेकी 0 विकेट, खलील अकाली 1 विकेट लेके आया था, और दुलीप ने 2 विकेट लेके आया था, इमरान मोहम्मद ने 1 विकेट लेके आया था। और उनके बॉलिंग बैटिंग मिक्स सेक्शन में इंडिका गुनशेखर 11 रन बना के आउट हुए थे, इमरान मोहम्मद 8 रन, दुलीप 2 रन, देविन 4 रन बना के आउट हुए थे, गनिंदो आरमोदा 2 रन, नमन स्टैनिक 1 रन, रबुका 2 रन और पेरेरा 2 रन और 1 रन, और खलील अहमद 1 रन बना 3 रन बना के आउट हुए थे। तो वह यह था कुछ दोनों टीम का पिछले मैच का परफॉर्मेंस। अब सीधा डायरेक्ट टीम बनाना चालू कर लेते हैं। अब टीम को यहाँ पे आपको मैं प्लेयर स्टैट भी दिखाऊंगा, यहाँ पे टीम बना के बनाते। तो बस पहले टीम बनाते, तो इस टीम में मैं 3 मैच लूँगा। पहले देख लेते इंडिका गुनशेखर का कैसे रिकॉर्ड। इंडिका गुनशेखर का देख लो, पिछले मैच 11 रन बना के आए थे, प्लस 2 कैच 1 रनआउट भी किया था, और उससे पहले मैच 54 रन प्लस 1 कैच। तो हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है बंदा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है उनका, 2 मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट सागर कटारिया, इनका रिकॉर्ड देख लेते। पिछले मैच डक पर आउट हुए थे, उससे पहले 51 रन की पारी खेल कर रहे थे, और उससे पहले मैच उन्होंने 4 रन बनाए थे प्लस 1 स्टंप आउट 1 रनआउट भी किया था। तो आप पिक कर सकते हो, मैं पिक करूँगा क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं उनको पिक कराऊँ। तो साहिल लाल का लिखते उनका कैसा रिकॉर्ड। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेल कर रहे थे, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 4 रन, और एक मैच में उन्होंने 50 पॉइंट्स दिए थे 26 रन बना के। देखेंगे दीवान का अच्छा होता है उनको पिक करूँगा, वरना साहिल लाल को मैं पिक करूँगा। दीवान का उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं साहिल लाल के साथ जा रहा हूँ। ये रहेगा मेरे 3 बैट्समैन, इंडिका गुनशेखर, सागर कटारिया और साहिल लाल। तो वैसे विकेट कीपर में और कोई ऑप्शन नहीं, अभिलाष अमन आनंद रामन को लेना पड़ेगा। अगर कोई आदर अगर जॉर्डन खेलेगा या शुभमन परेरा खेलेगा तो उनको ले लूँगा। रविंद्र आरमोदा इनका भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, खेलेगा तो मैं उनको पिक करूँगा इन प्लेस ऑफ अभिलाष अनंत रमन। अभी के लिए मैं अभिलाष के साथ जाऊँगा। तो आज विकेट ऑलराउंडर में मस्त पिक रहेंगे सदम गिल, क्योंकि उनका रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं आपको। पिछले मैच थोड़ा फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 8 रन बना पाए थे और विकेट भी नहीं लिए थे, पर उससे पहले मैच 18 रन 3 विकेट लेके आए थे, और उससे पहले मैच 4 रन 2 विकेट, तो हर मैच 1 विकेट लेके आए थे। तो पिछले मैच थोड़ा फ्लॉप हुए थे, पर इस मैच में फ्लॉप नहीं हो सकते क्योंकि अच्छा मैच अच्छा प्लेयर है, इस मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके जा सकता है। नेक्स्ट आता है इमरान मोहम्मद, ए प्लेयर ओपनिंग करता है प्लस 2 ओवर बॉलिंग करता है। पिछले मैच 8 रन 1 विकेट, उससे पहले 0 रन 2 विकेट लेके आया था, और बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े करता है, तो इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। निक कारीगर का लिख रहे थे इनका रिकॉर्ड कैसा है। पिछले मैच 10 रन बनाए थे 1 डॉट बॉल, उससे पहले 3 रन 1 विकेट, उससे पहले 5 रन 1 विकेट, और उससे पहले मैच 1 विकेट, तो हर मैच 1 विकेट लेके आ रहा है बंदा है, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। जितेंद्र का कैसा है देख लेते हैं। जितेंद्र वैशिष्टा इनका रिकॉर्ड लिख रहे हैं, पिछले मैच 14 रन 2 डॉट बॉल, उससे पहले 6 रन बना के आए थे, तो बॉलिंग भी करते हैं कभी कभार। देखेंगे लुकाना परेरा का कैसा है रिकॉर्ड, उनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो बॉलिंग में कुछ अच्छा रिकॉर्ड हो सकते, तो इसलिए मैं उनको जितेंद्र वशिष्ठा को नहीं लूँगा अभी के लिए फिलहाल। तो वही बॉलिंग सीजन में देख लेते हैं बॉलिंग में कौन लूँगा। इमरान बुखारी का देख लेते हैं पहले रिकॉर्ड। इमरान बुखारी का पहले देख लो रिकॉर्ड, पिछले मैच में उन्होंने 6 रन 3 विकेट लेके आए थे, और उससे पहले मैच 1 विकेट, और उससे पहले भी 1 विकेट, और उससे पहले मैच 2 विकेट, तो हर मैच 1 रन को लेके जाते तो जरूर इनको पिक करूँगा, और वाइस कैप्टन बना सकता हो स्मॉलिंग में, और ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना सकते हो। नेक्स्ट करण सिंह भी मस्ट पिक करेंगे क्योंकि हर मैच विकेट लेके आता बंदा, पिछले मैच 6 रन 1 कैच पकड़ा था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले मैच 1 विकेट लेके आ रहा था बंदा, तो हर मैच विकेट लेके आता है, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट दुलीप, इनका रिकॉर्ड इनका कैसा है रिकॉर्ड।
पिछले मैच में 2 विकेट लेके आया था, उससे पहले विकेट नहीं लिया था, और उससे पहले विकेट नहीं लिया सिर्फ पिछले मैच में 2 विकेट, 4 मैच में 2 विकेट ले गया, 4 मैच में 4 विकेट लेके आ रहा बंदा, ये प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनको पिक करूँगा। और नेक्स्ट रहता है खालिद अकेला, पिछले मैच में विकेट लिया था, उससे पहले भी 2 विकेट, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा था इसलिए मैं इनको साथ जा रहा हूँ। ये में 4 बॉलर्स इमरान बुखारी, करण सिंह, दुलीप कोटिवर्का और खालिद अकेले। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन में सद्दाम अंगुल कैप्टन, वाइस कैप्टन इमरान अंगुल एक सेफ पिक रहेगा, क्योंकि दोनों ओपनिंग बैट्समैन है, दोनों दो और बॉलिंग करके आते हैं, दोनों ऑलराउंडर बोल सकते हैं आपको, दोनों ऑलराउंडर एक, तो दोनों अच्छे पारी खेल कर आ सकते हैं, तो एक सेफ पिक रहेगा। तो आप थोड़ा रिस्क ले जाते हो, ग्रैंडली रिस्क ले जाते हो, तो इंडिका गुनशेखर कटारिया इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, या इमरान बुखारी और करण सिंह इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। पर मैं स्मॉल एक टीम दे रहा हूँ इसलिए मैं सद्दाम गिल को कैप्टन, वाइस कैप्टन इमरान अहमद के साथ जा रहा हूँ। आपके हिसाब से आप चेंज करना गाइस, तो ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।